दोस्तों, क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम पे मल्टीपल फ़ोटो लगा के आप अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं, रील्स में पोस्ट करना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आप जो रील्स बनाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, उसे पोस्ट करते हैं, तो दोस्तों आप एक ही फ़ोटो पे म्यूज़िक सब कुछ लगा देते हैं, तो दोस्तों वो भी ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी 10 फ़ोटो से एक वीडियोज़ बन के तैयार हो और बारी बारी से आपकी फ़ोटोज़ पर मतलब म्यूज़िक चलती रहे और आपकी फ़ोटो चेंज होते रहे, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मल्टीपल फ़ोटो लगा के एक ही बार में तो आप अपनी इंस्टाग्राम की रील्स बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, उसे लाइक कर लेना है। मैं सुनील चारण, आप देख रहे हैं टेक यूट्यूबर सुनील। दोस्तों, अब क्या करना है, आप अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम तो आपके सबके मोबाइल में होगा ही, तो आप इसे क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद दोस्तों, अब क्या होगा, आपने देखिए जो सबसे नीचे आपकी जो प्रोफाइल है, यहाँ पे इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जाके ऊपर वाला जो देखिए आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्लस का, इस पर जाके हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जो रील्स है, रील्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब रील्स वाले ऑप्शन में हम यहाँ पे जाके जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मल्टीपल्स जब फोटोज़ लगाना है यहाँ पर अपने वीडियोज़ में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने जो रील्स बनाएंगे उसमें मल्टीपल्स फ़ोटो लगाना है। तो दोस्तों, बड़ा सिंपल है, बस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, बस आपका 1 से 1.5 मिनट जाएगा, उससे ज़्यादा आपका जाने वाला नहीं है, आप सीख जाएंगे अगर जो आप इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स पोस्ट करते हैं तो। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये करना है कि कोई भी आप जाके पहले यहाँ पे म्यूज़िक, यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक आप यहाँ पे जाके बड़ी आसानी से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कोई भी म्यूज़िक हो, हमने यहाँ पे ये वाली म्यूज़िक सेलेक्ट कर लिया, इसको देखिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके डन कर लेंगे। डन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आना है, जो प्लस वाला यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है, अब आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है, तो दोस्तों इसको हम क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, बहुत सारे इसमें फ़ोटोज़ आपको दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों, हमको ऐसे ही अपनी फ़ोटोज़ बहुत सारी फ़ोटोज़, तो दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी यहाँ पे फ़ोटोज़ दिखाई दे रही होंगी। अब क्या करना है कि यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ तो दिखाई दे रही हैं, अब आपको बारी बारी से इसमें सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने पहले ये चीज़ें पोस्ट की, अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जाके बारी बारी से फ़ोटो सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए इस फ़ोटो को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा 2 सेकंड, बस 2 सेकंड के लिए कर लेंगे, तो इसके बाद फिर से ऐड कर लेंगे, फिर वही प्रक्रिया कई बार अपना लिया, क्योंकि आपको तो बहुत सारे फ़ोटो लगाना है, तो बहुत सारे फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा, तो ऐसे कर करके आप 2-2 सेकंड इसको ले लेंगे। फिर बहुत सारे देखिए, ये भी हम यहाँ पर जाके ऐड कर दे रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो ये भी फ़ोटो हम यहाँ पे जाके ऐड कर दे रहे हैं, बस 2-2 सेकंड यहाँ पे देखिए, 2-2 सेकंड ऐसे ऐसे करके हम इसको ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड करने के बाद देखिए 5 फ़ोटो हो गई, और देखिए कुछ फ़ोटो जैसे ये वाली अच्छी लग रही है, ये वाली फ़ोटो हम यहाँ पे जाके ऐड कर दे रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा 2 सेकंड कर दे रहे हैं, फिर से ऐड कर दे रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा देखिए, और कोई फ़ोटो, और ये वाली मस्त फ़ोटो है, इसको भी हम जाके यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, तो 2-2 सेकंड इसमें ऐड कर दे रहे हैं। अब ऐड करने के बाद एक फ़ोटो हम यहाँ पर, और कोई ये वाली ठीक है, इसको भी हम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो 2-2 सेकंड इसको देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर जाके 2-2 सेकंड यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने यहाँ पे ऐड कर ली। दोस्तों, बहुत सारी फ़ोटो यहाँ पे हमने ऐड कर ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है यहाँ पे देखिए फ़िल्टर्स में यहाँ पे जाके आप कोई भी यहाँ पे फ़िल्टर यूज कर सकते हैं, तो यहाँ जो भी फ़िल्टर आपको अच्छा लगे, तो कोई फ़िल्टर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार बैक आ जाएंगे। अब बैक जाने के बाद अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे देखिए म्यूज़िक भी लग गई है, तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए कुछ इस प्रकार से फ़ोटोज़ आपकी बाहर आएंगे, देखिए म्यूज़िक के साथ आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही फ़ोटो आप जाके यहाँ पे बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप जाएंगे एडिट कवर पे। एडिट कवर पे जाने के बाद देखिए कोई भी अच्छी सी जो इमेजेस, मतलब जो आप दिखाना चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो, जैसे लोग स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टाग्राम में, तो जो पेजेस होता है वही इसमें जाके कोई मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो कोई भी आप जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी फ़ोटोज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से।
तो दोस्तों मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट की, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। अब डन पे आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे तो आपकी वीडियोस जो रील्स है वो अपलोड हो जाएंगी। इतना अच्छा लगे देखने में कि जो आपके रील्स होती हो चल रही हैं, आपके फ़ोटोज़ बार बार बदल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही करके बहुत सिंपल तरीका है, इस सिंपल तरीके को अपना के आप बड़ी आसानी से जाके यहाँ पे मतलब बना के तो बहुत आसानी से जाके मल्टीपल्स फ़ोटोज़ आप अपनी वीडियोस में लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा यार, वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और देखते रहें टेक यूट्यूबर सुनील। धन्यवाद, जय हिंद।